भाइयों और बहनों, कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है और गोवा से ज्यादा इस बात को कौन जानता है। गोवा या कांग्रेस के चरित्र को शायद इतनी बारीकी से जानता है शायद हिंदुस्तान में कोई जानता हो। मनोहर जी के स्वास्थ्य पर कैसे गोवा को अस्थिरता में धकेलने के लिए कोशिश हुई है, ये भी आप सभी ने देखा। एक इंसान सिर्फ और सिर्फ गोवा के लिए जी रहा है, अंतिम सांस भी गोवा के लिए ले रहा है, उसी समय राजभवन जाकर के मौका आया है, लाओ। कितने सालों से बाहर है, लाओ। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसी परिस्थिति का भी वे विवेक भान नहीं रख सकते जी। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, ये कम से कम गोवा के, भारत के कल्चर का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सत्ता के लिए कोई इतना नीचे जा सकता है, ये कांग्रेस को देखकर बार बार समझ आता है। साथियों, आप ध्यान रखिए, कांग्रेस का पंजा दो कामों के लिए व्यस्त रहता है, क्योंकि दो पंजे हैं, अगर ज्यादा होते तो और 50 दिन कई करते हैं। कांग्रेस का पंजा या तो सरकारी खजाने पर सफाई करना जानता है, या फिर रिमोट कंट्रोल से दुबली पतली मजबूर सरकार चलाना जानता है। कांग्रेस वालों को मजबूर सरकार सूट करती है, क्योंकि वहां ये मनमानी कर सकते हैं, पर्दे के पीछे बैठ करके जो चाहिए वो करवा सकते हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही गोवा ने मजबूर सरकारों का एक लंबा दौर देखा है। ऐसी सरकारों, अस्थिर गठबंधनों, दल बदल करने वाले विधायकों की वजह से गोवा के विकास पर भी प्रभाव पड़ा। सोचिए, 1990 से 2000 तक में के 10 वर्षों में गोवा ने 13 मुख्यमंत्री देखे, 13। इस दौरान आपसी झगड़े, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इसकी वजह से गोवा सुर्खियों में रहता था। अब बीते वर्षों में बीजेपी बहुत मेहनत से गोवा के विकास के एक नए ट्रैक पर लाई है, और उसका श्रेय मनोहर जी को और उनकी पूरी टीम को जाता है। ये बीजेपी है जिसने सरकार के विकास कार्यों को गोवा के घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गोवा की राजनीति का हिस्सा बनाया।